7 साल 3 महीने 4 दिन बाद निर्भया को आखिरकार 20 मार्च को इंसाफ मिल ही गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल की घड़ी में 5:30 हुए और निर्भया के चारों गुनहगारों को फांसी पर लटका दिए गए। साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड में आज करीब 7.25 साल के बाद इंसाफ हुआ है। तिहाड़ जेल के फांसी घर में शुक्रवार की सुबह ठीक 5:30 निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 7 साल 3 महीने और 4 दिन पहले यानी 16 सितंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सड़कों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था और आज जाकर उसका नतीजा निकला है। शुक्रवार सुबह दोषियों को फांसी दिए जाने के बाद लोगों ने तिहाड़ के बाहर मिठाइयां बांटी। निर्भया की मां आशा देवी ने लंबे समय तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब दोषियों को फांसी दी गई तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 मार्च को वह निर्भया दिवस के रूप में मनाएंगी। आशा देवी का कहना है कि वह देश की दूसरी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगी। निर्भया के दोषियों को आज आखिरकार जो है फांसी पर लटकाया गया है और निर्भया को कहीं ना कहीं आज इंसाफ मिला है, क्या बताना चाहोगे? 7 साल के बाद जो डिसीजन हुआ है उस बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी रेप केसेस होते हैं उसके लिए गवर्नमेंट इतने लेट क्यों डिसीजन लेता है? ये डिसीजन तो बहुत पहले लेना चाहिए। आज इतनी बड़ी जो खुशी की बात है, मैं चाहती हूँ कि ये बात अगर पहले होती तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा खुशी होती। निर्भया के दोषियों को 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद फांसी के फंदे पर लटकाया गया है और निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिला है। जनता द्वारा इसका समर्थन किया गया है, जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी ज़ुबानी कि क्या लगता है उन्हें कि आखिरकार निर्भया को जो है आज जो है इंसाफ मिला है, क्या बताना चाहिए? ये तो बहुत पहले ही होना चाहिए था, क्योंकि 7 साल बोले तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और इनको ना क्विकली तुरंत शूट आउट करना चाहिए। एक तरफ कोरोना वायरस की वजह से कुछ थोड़ा मंदी भी आ रही है तो दुख भी हो रहा है, बट आज जो निर्भया के मारकों को जो फांसी मिली है कई खुशी भी हो रही है, बट ये जो है थोड़ा जल्दी होना चाहिए था। मीन्स कोई अगली स्टेप, अगली बार कोई ये कार्य करने के लिए मीन्स थोड़ा कतरा है उनका दिल में, थोड़ा सा मीन्स आना चाहिए कि नहीं, उनको डर पैदा होना चाहिए कि उनको तो फांसी मीन्स 7 साल बाद मिली थी तो ये क्विकली वहीं पे होना चाहिए। जब उनके वो पकड़े जाते हैं जिम्मेदार लोग, जब गुनहगार जो पकड़े जाते हैं ना, उनको तुरंत शूट आउट करना चाहिए। मैं तो कहना चाहूँगी कि बहुत टाइम लगा एक माँ को इंसाफ मिलने के लिए, और मैंने ऐसे न्यूज़ में सुना था कि निर्भया ने कहा था जब उसका आखिरी वक्त चल रहा था कि उन दोषियों को माफ़ मत करना माँ, और आज वही हुआ है। निर्भया के आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। होप शिल स्टे रेस्ट इन पीस। आज बहुत खुशी मिली है कि निर्भया का जो केस हुआ था 2012 में हुआ था और अभी 2020 चल रहा है, 7 साल लगे हमको इसके लिए, लेकिन ठीक है, केस सॉल्व हो गया और कहीं खुशी है कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन इससे हमारा जो समाधान रहता है या खुशी का इतना ज़्यादा माहौल नहीं है, क्योंकि 7 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। इस बीच में कई लड़कियां ऐसी हैं कि जिनके साथ बहुत बड़े बड़े गुनाह हो चुके हैं, क्योंकि हम जल्दी से रिजल्ट नहीं दे पाती, हमारी जो कानून व्यवस्था है वो थोड़ा स्लो लग रहा है। सर्वप्रथम आनंद व्यक्त करावा की दुःख व्यक्त करावं हे समजत नाही आहे, म्हणजे त्यांना फाशी झाली तर त्याचा आनंद व्यक्त करावं की निर्भयासोबत ही घटना झाली तर दुःख व्यक्त करावं असं वाटत आहे, कारण की जिच्या नावात निर्भया आहे, जिच्या नावात भय नाही आहे, तिच्यासोबत ही घटना झाली ही खूप लज्जास्पद घटना आहे। ही प्रत्येक पुरुषाला ही मनात वाटायला हवं की हे काय झालेलं आहे। आज पुरुष म्हणून असं वाटतं की किती मोठी लाजेची गोष्ट ही आमच्या देशासाठी आहे, आमच्या देशामध्ये सर्वात मोठं असं अशी घटना होत आहे, याबद्दल खरंच आम्ही विचार करायला हवा आणि सर्वांनी स्वतःला समजवायला हवं की नाही, ही गोष्ट ही चुकीची आहे। 8-8 लोक 6-6 लोक एका महिलेवर तुम्ही असं करत आहे, त्या ताईसोबत असं झालं। आज देशातली प्रत्येक बहीण, प्रत्येक ताई ही सेफ राहिली पाहिजे। आमची गव्हर्नमेंट काही ना काही पावलं उचलत आहे, पण आम्ही ते पावलं जे उचलत आहे गव्हर्नमेंट ते फॉलो करायला हवं, गव्हर्नमेंट जे आम्हाला सांगता आहे ते फॉलो करायला हवं। लोगों में खुशी तो है ही, क्योंकि निर्भया को आखिरकार 7 साल बाद जो है इंसाफ मिल गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, INBCN न्यूज़ नागपुर।